हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच वर्टिब्रेट्स हैव द मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेशन। सो क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन से वर्टिब्रेट का रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। फर्स्ट मैमल्स, सेकंड रेप्टाइल्स, थर्ड एव्स, फोर्थ एम्फीबियंस। सो द की कॉन्सेप्ट इज रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी इन वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पर कुछ वर्टिब्रेट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि किसकी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मैमल्स। मैमल्स में क्या क्या आते हैं? लाइक ह्यूमंस हैं, इनका एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जिनमें की लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दैट अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, जो कि लंग्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सटर्नल एयर होती है वो नोज के थ्रू पूरा पाथवे ट्रेवल करके लंग्स तक जाती है, जहां पर कि एल्वोलाई होते हैं, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो कि आगे ब्लड में, और ब्लड से ये ऑक्सीजन कहां जाती है, सेल्स तक जाती है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल्स से ब्लड में, ब्लड से एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो इट मीन्स ये कैसा फ्लो है? बाई डायरेक्शनल फ्लो है, दो डायरेक्शन में हो रहा है। इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर सेम पैसेज को ट्रेवल करती है। तो ये कैसा होता है? लेस एफिशिएंट होता है देन बर्ड्स। बर्ड्स में ज्यादा एफिशिएंट होता है रेस्पिरेटरी पैसेज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या होता है? यहाँ भी लंग्स होते हैं, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी लेस एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स एंड बर्ड्स में अगर कंपेयर करेंगे तो लेस एफिशिएंट होता है। बहुत से रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स लंग्स होते हैं उनके, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं तो ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू करते हैं। सो इसलिए यहाँ पर जो ओवरऑल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा एफिशियंट नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी है एव्स। एव्स में क्या आते हैं? बर्ड्स आती हैं, और इनमें मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। बर्ड्स का एक यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें कि क्या होते हैं, दैट इंक्लूड्स एयर सैक। यहां पर एयर सैक होते हैं इनके पास, और क्या होता है, वन वे फ्लो होता है एयर का, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, नॉट बाईडायरेक्शनल थ्रू देयर लंग्स। तो इससे क्या होता है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है तो इनको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है, इवन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब ये एक्सहेलेशन भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, उस टाइम भी ऑक्सीजन इनके अंदर डायरेक्टली एंटर करती रहती है, क्योंकि वन वे फ्लो है। तो इसलिए इनका रेस्पिरेशन एफिशिएंट होता है, क्योंकि इनको फ्लाई करना होता है, उड़ना होता है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इनका यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो ऑफ एयर, जिससे कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। सो ऑप्शन थर्ड एव्स इज करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या आते हैं? लाइक फ्रॉग्स, इनका भी लेस एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि यहां भी ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, जो कि सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक नहीं कर पाता है, क्योंकि इनके लंग्स कैसे होते हैं, काफी सिंपलर होते हैं, सिंपल लंग्स होते हैं, नॉट कॉम्प्लेक्स। तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई इनकी, जो ऑक्सीजन की एफिशिएंसी है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में, कम हो जाती है, स्पेशली ऑन लैंड। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज सी एव्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।